स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, कि शेयर्स क्या होता है और स्टॉक क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारी बेसिस, तो बेसिस है इश्यूज। शेयर आर इशूड एट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू एक्वायर कैपिटल फॉर द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस। शेयर कब इशू किए जाते हैं? कंपनी की फॉर्मेशन पे, इन ऑर्डर टू एक्वायर कैपिटल, कैपिटल कंपनी में लाने के लिए, एक्वायर करने के लिए, फॉर कंपनी फॉर इट्स बिजनेस, बिजनेस के लिए, ठीक है। और जो स्टॉक है, स्टॉक कैन नॉट बी इशूड एट द कंपनीज फॉर्मेशन, कंपनी के फॉर्मेशन पर इशू नहीं किए जाते हैं। ओनली वैन द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, जब शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तब उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि जो स्टॉक होते हैं वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नॉमिनल वैल्यू देखिए इसकी क्या है। अ शेयर हैज़ अ डेफिनेट नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक नाम मात्र की वैल्यू होती है। लाइक शेयर्स होते हैं 10,000 शेयर्स, उनकी प्रॉपर वैल्यू होती है कि वो 10 रुपये ईच है ना। स्टॉक हैज़ नो नॉमिनल वैल्यू, स्टॉक की नॉमिनल वैल्यू नहीं होती, इट्स वैल्यू कैन बी स्प्लिट एज पर द रिक्वायरमेंट। हम इसकी वैल्यू तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट है वैसी, यानी कि कोई छोटी से छोटी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ है पेड अप वैल्यू। शेयर कैन बी पार्टली और फुल्ली पेड अप, शेयर्स जो हैं वो पार्टली पेड अप हो सकते हैं और फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो स्टॉक है वो फुल्ली पेड अप ही होंगे, स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफर। अ शेयर इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड एज अ होल, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इन पार्ट्स। जो शेयर को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो वो सारे के सारे होल के होल ट्रांसफर होंगे, उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते पार्ट्स के अंदर। जबकि स्टॉक को हम स्प्लिट कर सकते हैं पार्ट्स में, स्टॉक कैन ऑलवेज बी स्प्लिट इन टू पार्ट्स ऑफ एनी डेनोमिनेशन, कोई भी डेनोमिनेशन में हम उसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आगे देखिए, डेफिनेट नंबर। ईच शेयर कैरीज अ डेफिनेट नंबर, हर एक शेयर्स का डेफिनेट नंबर होता है। स्टॉक हैज नॉट डेफिनेट नंबर, स्टॉक का कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता। सिक्स्थ है रजिस्ट्रेशन। इट इज मैंडेटरी टू गेट द ट्रांसफर ऑफ शेयर रजिस्टर्ड विद द कंपनी, कि अगर आप अपने शेयर्स का ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और सिक्स इसमें देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक इज नॉट नेसेसरी बट द कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, लेकिन जो कन्वर्जन है शेयर का स्टॉक में, मस्ट बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। देखिए क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन तो जरूरी नहीं है स्टॉक का, बट अगर आप कन्वर्जन करवा रहे हैं शेयर्स को अपने, यानी फुल्ली पेड अप शेयर्स को अपने आप स्टॉक में चेंज करवा रहे हो, तो वो आपके रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में चेंज करवा रहे हो तब, ठीक है। आगे देखिए, मेंबरशिप। अ शेयर होल्डर इज अ नंबर, इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड द शेयर सर्टिफिकेट सर्टिफाइज दैट, कि जो शेयर होल्डर होता है वो मेंबर होता है कंपनी का, और जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफाई करता है कि ये पर्सन इस कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है। अ स्टॉक होल्डर इज डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी ओनली सम स्पेसिफिक पर्सन, स्टॉक होल्डर को कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही मेंबर माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोविजंस। शेयर्स आर इशूड बाय रेजुलेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर इशू किए जाते हैं किसके द्वारा? रेजुलेशन पास किया जाता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। और जो आर्टिकल ऑफ द कंपनी और जो स्टॉक के बारे में, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट हैव अ प्रोविजन फॉर द कंपनी टू इशू एनी स्टॉक। तो अगर आपको
स्टॉक इशू करना चाहते हैं तो वो आपके कंपनी के AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, उसके अंदर प्रोविज़न होने चाहिए कि आप अपनी कंपनी में स्टॉक इशू कर सकते हो। एंड इट इज़ इशूड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप स्टॉक को इशू कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, कि शेयर्स में शेयर क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, उनमें मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।